हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त आपका वेलकम करता हूं अपने गार्डनिंग बॉय यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र के ऊपर। दोस्तों, अगर हम घर में फ्रूट के प्लांट लगाते हैं तो उनमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि हमको खुद खाना होता है, इसलिए हम उनमें केमिकल यूज नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी इसी पे है। तो उससे पहले मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। मैंने 20 दिन पहले इस फर्टिलाइज़र का अपने तोरी और करेले के बेल पे मैंने इसका यूज किया, तो उसका रिज़ल्ट आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इसमें ढेर सारे फ्लावर आ गए हैं, ये देखिए। और इधर दिखाता हूँ, ये देखिए, इन पे देखिए करेले, ये देखिए तोरी है। और ये देखते हैं, देखिए यहाँ पे भंवरे भी आने लग गए हैं, तो इसका आना बहुत अच्छा होता है। और इस फर्टिलाइज़र का इतना अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला है कि आप अगर इसको यूज करेंगे तो आप भी इसका अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो दिखा देते हैं, देखिए इनमें ढेर सारे, ये देखिए छोटे छोटे जो करेले हैं वो बनने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए पूरा जो हमारा तोरी और करेले की बेल है वो पूरी जो है फ्रूट से भर गई है, ये देखिए। और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है इस समय। और देखिए, ये मैंने अपने टेरेस पे ही लगा रखे हैं। देखिए तोरी का फ्लावर आया हुआ है और इसमें तोरी बननी भी स्टार्ट हो गई। और मैंने इसको, ये गार्डन मेरा टेरेस पे ही है, तो ये देखिए। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। ये देखिए मेरे इधर के खेत हैं ये। तो चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, फर्टिलाइज़र बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर देखिए दोस्तों, ये हैं हमारे पास सारे फर्टिलाइज़र। देखिए अब मैं आपको एक एक करके इनके नाम बताऊंगा और इन्हें कैसे यूज करना है। तो दोस्तों आप एक एक करके नोट कर लीजिए। ये दोस्तों, ये देखिए, ये नीम खली है, ये किसी प्लांट में कीड़े नहीं लगने देती है। और ये देखिए दोस्तों, ये बर्मी कंपोस्ट है, इसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी। और ये देखिए, ये सरसों की खली है, सरसों के में से तेल निकाल लिया जाता तो ये बचती है। तो ये हमारे गार्डन के लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो दोस्तों, इन्हीं का आज हम फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे को तीन चीज़ें चाहिए। पहला है बर्मी कंपोस्ट, फिर ये नीम खली और सरसों खली। तो इन तीन चीज़ों को आप लोकल मार्केट से ला सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 5 लीटर का डब्बा है। ये देखिए, मैंने इसी में फर्टिलाइज़र बनाता था, तो मैंने फिर इसको साफ़ किया ताकि मुझे आपको दिखाना है। तो इसमें हम देखिए ये डालेंगे, ये बर्मी कंपोस्ट है, केचुआ खाद है, सबसे अच्छी खाद यही मानी जाती है। और देखिए इसमें हम ये जो हमारे ये सरसों की खली है इसको हम सारा इसमें डाल देंगे एक एक करके। और ये अभी आपको बहुत ही हार्ड दिख रही है, पर ये कुछ ही घंटों में ये एकदम पानी में घुल जाएगी। तो इसको हम डाल देंगे, ये आप 250 ग्राम के लगभग आप डालेंगे इसमें, और 250 ग्राम आपको बर्मी कंपोस्ट लेना है। तो ये हमने इसमें भिगो दी है। अब इसमें हम ये अपनी डालते हैं, ये है नीम खली। ये दोस्तों किसी भी प्लांट में कीड़े नहीं लगने देती है। अगर आपको ऑर्गेनिक चाहिए फर्टिलाइज़र जो आपके कीड़े से बचाए, तो ये सबसे अच्छा है।
इसे आप अगर डालेंगे तो उसमें कीड़े लगने का चांस नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये देखिए, हमने इसमें तीनों चीज़ें डाल दी हैं। अब हम एक लकड़ की मदद से इसको गोल गोल राउंड में घुमाएंगे ताकि जितना हमने फर्टिलाइज़र इसमें डाला है वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको मिक्स करने के बाद हमको इसे छोड़ना है 12 घंटे के लिए। तो ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। तो दोस्तों अब हम इसको रख देंगे। अब आपको इसके अगले दिन कैसे इसको यूज करना है तो चलिए नेक्स्ट भी। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारा एक दिन इसको बीत चुका है। अब इसको हम बढ़िया से, पहले हमें इसे घोल लेना है क्योंकि हमने जितने इसमें फर्टिलाइज़र डाले थे वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो ये देखिए, ये 20 लीटर की बाल्टी में मैंने 10 लीटर पानी लिया है और इसमें हम इसको डालेंगे। तो इसे आराम आराम से डाल लेना है हमें। ये मेरा डिब्बा टूट रहा है, तो बस हमने इसको डाल लिया है। अब ये हमें सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र मिल गया जिसमें हर एक पोषक तत्व है। हम इसे किसी भी फ्रूट प्लांट या फ्लावर प्लांट में दे सकते हैं। अगर आपके प्लांट के पत्ते पीले पड़ जाते हैं तो आप इसको ज़रूर यूज कीजिए। तो ये देखिए, हमने इसमें डाल लिया। अब हमको इसको अच्छे से घुमा लेना है ताकि ये बढ़िया से मिक्स हो जाए और इसको अब हम अपने प्लांट में डालने के लिए। ये हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया। तो ये मैंने एक डब्बा लिया है बोतल का काट के। तो चलिए हम इसको डालना शुरू करते हैं। तो हम बारी बारी अपने प्लांट में इसे डालेंगे। जिस हिसाब से गमला है उसी हिसाब से हम इसको डालेंगे। तो ये मेरा टब है जिसमें मैंने तोरी की बेल और करेले की बेल लगा रखी है। तो इसमें हम 3 से 4 मग्गे डालेंगे। ये फर्टिलाइज़र आप जब उपयोग इसको करेंगे तो आपको 12 दिन के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हमने इसमें डाल दिया है। अब हम अपने जितने भी प्लांट हैं उनमें इसको डालेंगे। ये देखिए, ये मेरे गुलाब का प्लांट है, इसमें भी मैं डालूँगा क्योंकि गुलाब के लिए ये सरसों की खली और नीम खली सबसे अच्छी मानी जाती है। और ये मेरा पुदीना है, इसमें भी मैं डालूँगा। ये देखिए, इधर हमने करेले की बेल लगा रखी है गमले में, ये देखिए। तो इसमें भी हम इसको डाल देंगे। तो दोस्तों, मैंने इसे अभी 20 दिन पहले ही फर्टिलाइज़र डाला था, तो आज आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक बार फिर से इसको बनाया। तो ये देखिए, ये हमने अपने धीरे धीरे सारे गमलों में इसको हम डाल देंगे। ये देखिए, ये हमारे गुड़हल का प्लांट है, इसमें भी हम डाल देते हैं इसको। देखिए, हमने इसको भी डाल दिया है, पर ये हमें तने से दूर रखना है। इसको हमें, देखिए इसमें ढेर सारे फ्लावर आए हुए हैं। ये देखिए, इस पर भी करेले बनने स्टार्ट हो गए हैं, देखिए। तो आप एक बार इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर बनाएं, फिर आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि ये फर्टिलाइज़र वाकई में काम कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। रेड कलर के बटन को टच करके घंटी के आइकन पर भी क्लिक करें। और अगर कुछ किसी बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। गुड बाय।